आपके साथ स्लेहा खान, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्पेशल में। बीजेपी विधायक कैलाश चावला ने अपनी ही सरकार के ऊर्जा मंत्री पर नीमच में कुएं सूखने के बाद किसानों को मिल रहे भारी भरकम बिल लगाने का आरोप लगाया है। वहीं ऊर्जा मंत्री पारस जैन ने चावला को नसीहत देते हुए कहा कि हर चीज कानून से नहीं चलती। प्रदेश की विधानसभा में विधवा महिला को विधवा के बजाय कल्याणी कहे जाने के प्रस्ताव पर लगी मुहर। बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इसके लिए स्वीकृति दे दी है। वहीं विधवा महिलाओं को ये नाम इंदौर के 21,000 लोगों के हस्ताक्षर के बाद मिला है। प्रदेश के मंदसौर में 27 नील गाय को पकड़ने में लगभग 41 लाख रुपए हुए खर्च। बता दें, 19 दिन तक चली इस कार्यवाही में वन विभाग के अधिकारियों के साथ गांव वाले भी जुटे हुए हैं। यही नहीं, नील गायों की पहचान करने के लिए हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के करीब 125 अलग अलग श्रेणियों की जेलों की सुरक्षा के लिए जेल विभाग को 10,000 सेमी ऑटोमेटिक गन और मार्क 3 राइफल मिली। बता दें, ये हथियार पुलिस विभाग ने अपने हथियार भंडार के जेलों को उपलब्ध कराए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के भिंड के अटेर और उमरिया जिले के बांधवगढ़ विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा की है। बता दें, अटेर और बांधवगढ़ उपचुनाव के लिए 9 अप्रैल को मतदान और 13 अप्रैल को मतगणना होगी। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार इंदौर में किया जाएगा हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन। बता दें, हार्ट को चोइथराम अस्पताल से मेदांता अस्पताल के लिए ग्रीन कॉरिडोर बना के ले जाया जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर, ग्वालियर सहित 13 जिलों के जिला न्यायाधीशों और 14 विशेष न्यायाधीशों का किया तबादला। वहीं इन सभी को हाईकोर्ट ने 25 मार्च तक अपना पद ग्रहण करने के लिए निर्देश दिए। प्रदेश के सरकारी स्कूल में 9वीं और 11वीं परीक्षाएं फिर से आयोजित होंगी। बता दें, पेपर लीक होने की वजह से इन दोनों कक्षाओं के सभी विषयों की परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया है। भोपाल के रायसेन रोड पर सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग की निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी। बता दें, इसमें अब तक 16 मजदूर घायल हुए हैं और एक की मौत हो गई। वहीं अभी भी मलबे में 300 से ज्यादा मजदूर फंसे हुए हैं। भिंड के नेशनल हाईवे पर भदौरिया होटल के पास ट्रक और बाइक की टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई। बता दें, बाइक चलते ट्रक में पीछे से जा टकराई थी, जिसके बाद ये हादसा हो गया। मेरे साथ मध्य प्रदेश स्पेशल में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़। नमस्कार।